हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए गाइस, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पा। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सीधे खेतों से हो रही है। आप मेरे चारों और खेत देख रहे होंगे, ये देख लीजिए। आज मैं धान की मंडाई करने आ रखा हूँ। गाँव में एक दादी जी हैं, उनकी मंडाई करने, और जिस लोकेशन में मैं धान की मंडाई करने आ रखा हूँ वहाँ का नाम है भगड़ा गदर। यहाँ धूप काफ़ी हो रही है और मेरे साथ के जो साथी हैं वो यहाँ पर मंडाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ पर वो यहाँ पर मंडाई कर रहे हैं। मंडाई लगभग हमने कर ली है। जो पराली है यानी जो धान का कबाड़ बचा हुआ कबाड़ है, इसको गाय भैंसों को दिया जाता है। इसको फिलहाल सुखाने के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी गीला है। वैसे यहाँ पर मंडाई की जा रही है और जो धान के बीज ना आसानी से नहीं निकलते हैं उनको लट्ठी की हेल्प से निकाला जाता है। और हमारे साथ एक छोटी सी सिस्टर भी आ रही है। अभी हमने धान की मंडाई पूरी कर ली है और जो धान का बचा हुआ कबाड़ है यानी पराली, उसको पेड़ पर लगाने के लिए यहाँ पर दोस्त चला गया, यहाँ पर चला गया है ये भाई। और मैं यहाँ से दूंगा उस पराली को उसके पास, फिर वो वहाँ पर लगा देगा। फाइनली हमने धान का जो बचा हुआ घास यानी पराली था उसको यहाँ पीछे पेड़ों पर लगा दिया है। ये पूरा दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ कुछ यहाँ पर अब लगाया जा रहा है। और जो टोटल धान हुआ है उसको इन कट्टों में भरा जा रहा है साई जी द्वारा। हम दोनों के दोनों बिस्कुट के मजे ले रहे हैं। बिस्कुट बिस्कुट बंद बंद, हाँ ताई जी बोल रहे हैं ऐसा बोल के धान के थोला भर रहे हैं। कटे हैं क्या? कटा थे जो भी है। चलिए, हम धान के कट्टे लेके आ गए हैं और यहाँ पीछे हमने रख लिए हैं। फिर भी मुझे चैन नहीं है, मुझे अब दूसरी जगह जाने हैं अपने खेत में झंगोरा का कट्टा लेने के लिए। यहाँ ऊपर जहाँ का नाम है धारमा, मैंने कई बार बताया है कि धारमा मेरे गांव का हिस्सा है। ये कट्टे हमने यहाँ पर रख लिए हैं और ये सिस्टर यहाँ पर चाय बना रही है हमारे लिए। चाय में पी तो नहीं आई? हमें चाय पिलाई जी। चाय तो मैं पीता नहीं, तो अब मैं सीधे चलता हूँ अपना काम करने के लिए। अपने खेत में जाने से पहले मैं आपको अपने गांव का प्यारा सा मंदिर दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर है। और इस प्यारे से मंदिर का नाम है क्षेत्रपाल देवता। क्षेत्रपाल देवता जी का यह मंदिर है, देख लो बड़ा प्यारा है। और साथ में यहाँ पर बड़ा सा पया का पेड़ भी है। आपको पया पता होगा, यहाँ एक फल है, उसके छोटे छोटे दाने होते हैं खाने के लिए, वो होता है। आप पेड़ देख ही रहे होंगे और मंदिर भी बड़ा प्यारा है, काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों। मैंने अपने एक पिछले ब्लॉग में बताया था जो पया के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, वो पवित्र माने जाते हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो वो पेड़ ना ज़्यादातर जहाँ पर मंदिर होते हैं वहाँ पर होते हैं वो पेड़ ज़्यादातर। वैसे अपने खेत में मैं आ ही गया हूँ, यहाँ काफ़ी अच्छी फसल हो रखी है। और ये रास्ते में रखा हुआ है माँ ने मेरे लिए आई थिंक। और हमारे खेत के आसपास फलों के पेड़ भी है, जैसे ये नींबू, साथ में अनार, अनार का पेड़ भी है यहाँ एक बड़ा सा। जिस लोकेशन में मैं अभी फिलहाल आ रखा हूँ वहाँ का नाम है धारमा। धारमा मैंने बताया है हमारे गांव का हिस्सा है और यहाँ खेत भी हैं, पर हम अपने इस खेत को ना औड़ वाले खेत के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ औड़ के काफ़ी सारे पेड़ हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर औड़ का पेड़, यहाँ आगे पर यहाँ, फिर यहाँ पीछे की साइड में औड़ के पेड़ हैं, तो इसलिए हम इस वाले खेत को औड़ के पेड़ के नाम से जानते हैं। जैसे ही मैं खेत में आया तो मैं पानी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है। मैं यहाँ नीचे पर पानी के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर यहीं आसपास घर भी हैं, तो मैं अब पानी लेके आता हूँ वहाँ के लिए। पानी की बोतल भी मुझे मिल चुकी है। इस बार मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ पर रास्ता नहीं मिल रहा है। वैसे थोड़ा आगे चल कर मैं देखता हूँ। झंगोल होना तुम? ओ बट ये बना ये बड़ जानो ये पर पानी मैं उन चाची जी के घर से लाया हूँ जहाँ से मैं पिछली बार अपने लिए सब्जी लाया था। आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में यहाँ पर सब्जी के लिए कद्दू लाया था, उन दादी जी ने मुझे दिया था अपने खेत से निकाल के, आपने देखा होगा। तो उन्हीं के घर से मैं पानी की बोतल लेके आया हूँ। वैसे यहाँ पर दीदी घास निकाल रही है, ले तो माँ के लिए मैं इस पानी को देता हूँ क्योंकि प्यास भी माई को लगी थी और पानी भी माई ने मंगाया था। माँ पानी ये बड़ा आई में घूमे थे चाच कुंभ बड़ा जवाब भैया वे मान आपकी मान। वैसे जब मैं यहाँ आ गया तो मैं यहाँ पीछे इस वाले पेड़ से एक दो अनार निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो काफ़ी ऊपर हैं, निकलेंगे नहीं क्योंकि यहीं से बिजली का तार भी जा रहा है तो पेड़ पर करंट आ सकता है। वैसे फिर भी मैं सावधानी पूर्वक
निकालूंगा मैं, से ट्राई करता हूँ मैं। जो ये अनार का पेड़ है ना, ये हमारा नहीं है, लोगों का है, पता नहीं किसका है, ये मुझे पता नहीं, पर हमारे नहीं है ये। वैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छाया है, ये देख लो, और साथ में एक बड़ा सा कद्दू भी लगा है, मस्त तरीके से वो झूल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल के पेड़ हैं, जैसे संतरे हो गए, नींबू हो गए, और ये अनार हो गया, शहतूत हो गया। एक अनार की छोटी दानी मैंने निकाल ली है, पर मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा खट्टी होने वाली है। जब भी हम इस खेत में काम करने के लिए आया करते हैं ना, अनार निकाल के जरूर जाते हैं, पर होते ही खट्टे हैं। खट्टे तो ये होते हैं, पर इनको खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही है। खट्टे जरूर हैं, पर टेस्टी हैं। इस वाले एरिया में ना काफ़ी ज़्यादा कद्दू लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं गाइस। और तो और जो फल हैं, सब्जी हैं, नीचे गिर सड़ भी रहे हैं। ये देख लो, कद्दू सड़ रहा है, ये अनार सड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लटक रहे हैं, यहाँ 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 दिखाने का एक फ़ायदा ये तो मिल गया गाइस, सब्जियों को दिखाने के चक्कर में ना एक दूसरा अनार मिल गया है। ये काफ़ी बड़ा है, ये देख लो। अब मुझे इस थैले को ना, इस बड़े से थैले को माँ के पास ले जाना है, क्योंकि माँ यहाँ सामने पर जो झुंगोरा है उसको कट कर रही है, और माँ को थैला चाहिए। ओ भाई, वैसे ये गाइस छूटने वाला है, इसकी टाइट पकड़ना ही है, छूट गया। ओ बेटी गाइस, झुंगोरा नीचे गिर गया है, तो झुंगोरा नीचे गिर गया है, अगर माँ ने देखा तो डांट पड़ेगी जबरदस्त। माँ ला भाई, मैंने गोवा लिया, कट्टे को मुझे घर ले जाना था, रास्ते में रखना था, मुझे लगा कि माँ के पास देना है। आपको मेरी टी शर्ट गंदी जरूर नज़र आ रही होगी, क्योंकि खेत में मंडाई कर करके ना टी शर्ट के बुरे हाल हो चुके हैं, देख लो यहाँ से ले, पूरी टी शर्ट गंदी हो गई है। तो होनी है, जब हम खेत में काम करने के लिए आते हैं ना, कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, चाहे घास निकालो चाहे कोई और काम करो। मैं अभी घर चलता हूँ, पर घर चलने से पहले जो ये कट्टा है ना, आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ सामने खेत के एंडिंग पॉइंट पर मैं रख देता हूँ, क्योंकि माँ ना इस वाले रास्ते से आगे जाएगी, वहाँ दूसरा खेत है, आपको पता होगा, सिरपाणी, जहाँ पर मेरी नानी जी ने उस दिन मंडवा यानी कोदा निकाला था, और साथ में सुंटे भी निकाले थे, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है वहाँ जाना है, कुछ सुंटे जो है वहाँ से भी लेके आने हैं। मैं चला घर, माँ ये बोतल भी दे देवा। हाँ, तो मैंने माँ को बोल दिया है कि जिस बोतल को मैं लाया हूँ उन चाची जी के घर से, उस बोतल को वापस दे देना, तो माँ बोतल को भी वापस दे देगी मेरे लिए। वैसे यहाँ पर माँ ने कट्टा रेडी कर लिया है झुंगरे का, इसको मैं ले जाता हूँ, और जब तक मैं घर पहुँचता हूँ तब तक मैं कैमरे को साइड में रखता हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा एक हाथ में कट्टा ले जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कट्टे में बैठने का मज़ा कुछ अलग ही है, ऐसे जैसे हम बचपन में बैठा करते थे, ऐसे भरे हुए कट्टे के साथ ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे बिल्कुल गाइस बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैं गिर गया, और उठा भी नहीं जा रहा है। झुंगोरे के कट्टे को मैंने सही सलामत यहाँ पर रख लिया है, यहाँ पीछे पर, और इसके अंदर एक कीमती चीज़ है, जो कि ये है, देख लो कीमती चीज़, ये खट्टे अनार, खट्टे हैं पर स्वादिष्ट काफ़ी हैं, इनको बाद में खाएंगे मैं और मेरे भाई मिलकर नमक के साथ। जो कच्चे अनार मैं लाया था यानी खट्टे वाले अनार, उनको खाने का मन आज बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो किसी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्या पता कल ही खाएंगे। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।